आज हमारी वीडियो अप्लाइड मैकेनिक्स के कोर्स कंटेंट्स पे। अप्लाइड मैकेनिक्स का पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 50 मार्क्स आपके थ्योरी के और 50 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होंगे। थ्योरी का इसका 1 क्रेडिट आ रहा है और प्रैक्टिकल का इसके 3 क्रेडिट आ रहा है, विच मीन्स के आपका वीक में 1 लेक्चर थ्योरी का होगा और आपके 3 लेक्चर जो हैं वो प्रैक्टिकल के होंगे। टोटल क्रेडिट इसके 2 हैं, ठीक है, विच मीन्स के आपका 100 मार्क्स का पेपर है। 54 थ्योरी एंड 54 प्रैक्टिकल। अप्लाइड मैकेनिक्स में आपके टोटल 13 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1 आपका मेमेंट्स का चैप्टर है, जिसके अंदर हम डिमेंशनल फार्मूलाज पढ़ेंगे, इक्वेशंस को हम वेरीफाई करेंगे थ्रू डिमेंशनल फार्मूलाज, ठीक है। ऐसे यूनिट्स वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, कन्वर्जेंस देखेंगे और साइंटिफिक फिगर्स और डिग्री ऑफ एक्यूरेसी वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि बेसिक्स आते हैं मैकेनिक्स के सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। चैप्टर नंबर 2 जो है वो इक्विलिब्रियम का चैप्टर है, ठीक है, विच इज स्टेटेड एज कॉन्करेंट फोर्सेस इन योर बुक। तो कॉन्करेंट फोर्सेस के चैप्टर में हम लोग कॉन्करेंट फोर्सेस पढ़ेंगे कि वो क्या होती हैं। एडिशन ऑफ अ वेक्टर्स पढ़ेंगे, वेक्टर्स पढ़ेंगे, वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स कितनी तरह के, उन्हें हम लोग किस तरह डिफाइन करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। टॉगल जॉइंट्स क्या होते हैं, हैंगिंग चेन्स क्या होते हैं, क्रेन्स क्या होते हैं, या जो आपके मैकेनिक्स के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 जो है वो आपका मोमेंट्स एंड कपल्स का चैप्टर होगा, जिसके अंदर बेसिक जो हमारा मोटिव है डेट इज टू टेल यू अबाउट कि मोमेंट क्या होती है और कपल क्या होते हैं, और इनसे रिलेटेड जितने भी आपके अप्लाइंसेज हैं, ठीक है, हाउ डू दे वर्क, जिसके अंदर आपका स्टील यार्ड आता है, सेफ्टी वॉल्व आ जाएंगी और लीवर्स आ जाएंगे, ठीक है, कुछ बेसिक डेफिनेशंस होंगी और एक दो इसमें डेरिवेशंस आएंगी, वो हम लोग चैप्टर नंबर 3 में कवर करेंगे। चैप्टर 4 आपका इक्विलिब्रियम का चैप्टर है, जिसके अंदर हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे कि व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम, और इसके अंदर कुछ आपकी डेरिवेशन होंगी रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम, वो हम जस्टिफाई करेंगे। चैप्टर नंबर 5 आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का चैप्टर है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को स्टडी करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, रोटेशन इनर्शिया क्या होता है। हम लोग फ्लाईव्हील को पढ़ेंगे और हम लोग इनर्जी स्टोरेज देखेंगे, फ्लाईव्हील में एनर्जी स्टोरेज कैसे होती है और कितनी होती है थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर आपका चैप्टर नंबर 6 फ्रिक्शन से रिलेटेड है। फ्रिक्शन के चैप्टर में हम लोग फ्रिक्शन को पढ़ेंगे, फ्रिक्शन एक्चुअली होती क्या है, फ्रिक्शन कितनी तरह की होती है, किन किन चीज़ों के दरमियान फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन को कम करने के तरीके क्या हैं, और मोशन ऑफ अ बॉडी थ्रू फ्रिक्शन सर्फेसिस या ऑन फ्रिक्शन सर्फेसिस, ये हम लोग स्टडी करेंगे। और इसके अंदर एक और मेन चीज़ है, डेट इज स्टॉक्स लॉ। स्टॉक्स लॉ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसकी डेरिवेशन करेंगे। फिर चैप्टर नंबर 7 है वर्क एनर्जी एंड पावर, दिस इज वन ऑफ द बेसिक चैप्टर ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स, जिसके अंदर हम वर्क एनर्जी रिलेशनशिप पढ़ेंगे, कुछ बेसिक डेफिनेशन हम दोबारा रिवाइज करेंगे वर्क की, एनर्जी की, पावर की, और इनके कुछ क्लासिफिकेशन है वो हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग पावर पे थोड़ा फोकस करेंगे कि व्हाट इज पावर, ठीक है, हाउ पावर इज जनरेटेड, इंडिकेटेड हॉर्स पावर क्या होती है, ब्रेक हॉर्स पावर क्या होती है, BHP, और एफिशिएंसी क्या होती है। फिर हम डायनेमोमीटर्स पढ़ेंगे, ठीक है, कि डायनेमोमीटर्स किस तरह काम करते हैं, किस तरह पावर को फाइंड आउट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 आपका ट्रांसमिशन ऑफ पावर का चैप्टर है, जिसके अंदर हम पावर की मुंतकली के तरीके देखेंगे कि कितने तरीकों से पावर मुंतकिल की जाती है, बेल्ट के जरिए, रोप के जरिए, चेन के जरिए, गरारियों के जरिए और क्लचेस के जरिए, और इनके कुछ डेरिवेशन होंगे वो हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 8 में। चैप्टर नंबर 9 आपका मशीन्स का चैप्टर है, दिस इज वन ऑफ अनदर बेसिक चैप्टर ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स। मशीन के चैप्टर में हम लोग मशीन्स को पढ़ेंगे कि मशीन्स किस तरह काम करती हैं और किस तरह ह्यूमन एफर्ट को कम करके आपको ज़्यादा मैकेनिकल एडवांटेज देती हैं, ठीक है, उनके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, और डिफरेंट और बेसिक जो मशीन्स हैं, ठीक है, उनके हम स्टडी करेंगे, लाइक सिंगल परचेज क्रैप, डबल परचेज क्रैप, वर्म वर्म व्हील, डिफरेंशियल स्क्रू जैक एंड अदर्स। चैप्टर 10 आपका वाइब्रेटरी मोशन का चैप्टर है, वाइब्रेटरी मोशन में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे,
पेंडुलम्स के बारे में पढ़ेंगे, स्प्रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, कैम्स कैम्स एंड फॉलोअर्स को हम देखेंगे, हाउ डू दे वर्क एंड हाउ डू दे कन्वर्ट रोटरी मोशन इनटू वाइब्रेटरी मोशन। तो ये सब कुछ आपका चैप्टर नंबर 10 में होगा। चैप्टर नंबर इलेवन आपका इलास्टिसिटी का चैप्टर है, जिसके अंदर हम इलास्टिसिटी देखेंगे कि इलास्टिसिटी क्या होती है, ठीक है, इलास्टिसिटी की टाइप्स क्या हैं, स्ट्रेसेस क्या होती हैं, स्ट्रेंस क्या होती हैं, मॉडलाई ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, पॉइजन रेशो हम देखेंगे। फिर इसके अंदर एक और मेन चीज़ आएगी, बीम्स एंड लोड्स, ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेसेस, शेयर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का। ये हम लोग चैप्टर नंबर 11 इलास्टिसिटी के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 12 आपका सिंपल मैकेनिज्म का चैप्टर है। सिंपल मैकेनिज्म में हम लोग इंट्रोडक्शन उसका देखेंगे कि व्हाट इज सिंपल मैकेनिज्म, और काइनेमेटिक लिंक्स को देखेंगे, काइनेमेटिक पेयर्स को देखेंगे कि हाउ डू द काइनेमेटिक पेयर वर्क, ठीक है, और इसके हम लोग वेरिएशन देखेंगे कि हम लोग कितनी वेरिएशन से कितने तरह के हम लोग मैकेनिज्म बना सकते हैं थ्रू जस्ट वेयरिंग द लिंक्स एंड वेयरिंग द जॉइंट्स। चैप्टर नंबर 13 आपका वेलोसिटी मैकेनिज्म का चैप्टर है। आफ्टर स्टडिंग चैप्टर नंबर 12 हम लोग वेलोसिटी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। वेलोसिटी मैकेनिज्म में आपकी कुछ बेसिक डेफिनेशन होंगे, लाइक कि इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या होते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। फिर हम लोग इसके मेथड्स पढ़ेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट वेलोसिटी मैकेनिज्म। इसके आपके दो तरह के मेथड होंगे, एनालिटिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड। ये हम लोग स्टडी करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द वेलोसिटी इन मैकेनिज्म। ये आपका पूरा कोर्स ओवरव्यू है, ठीक है, और इस कोर्स को पढ़ने के बाद यू विल हैव द नॉलेज के अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होती है एंड हाउ मशीन्स एंड बॉडीज वर्क इन एवरीडे लाइफ। थैंक यू वेरी मच।